हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉडी इंजीनियर नीरज। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि प्रोटीन क्या है और हमें ये प्रोटीन कितना लेना चाहिए और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और आपने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स से, अपने ट्रेनर्स से या बहुत सारे आर्टिकल्स इंटरनेट पर देखे होंगे प्रोटीन के बारे में, बट यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में जो लेटेस्ट स्टडीज है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि प्रोटीन की आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है और अगर आप एक सर्विंग की बात करते हैं या पूरे दिन की बात करते हैं तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बॉडी का और कुछ लोगों को लगता है कि प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए होता है। प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डअप करने के लिए नहीं होता, क्योंकि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसके बहुत सारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। जैसे ये मसल तो बिल्ड करता ही है आपके गुड हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, आपके नेल्स की हेल्थ के लिए, बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स बनते हैं उनके लिए, ऐसे इसके अलावा बहुत सारे और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, जिनको पूरा करने के लिए प्रोटीन की मेन ज़रूरत होती है। जनरली प्रोटीन जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर यूज होता है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए या मसल्स रिकवरी करने के लिए। और अगर हम एनर्जी सोर्सेज के हिसाब से देखते हैं बॉडी के लिए, तो जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो कार्ब्स और फैट होते हैं। लेकिन आपकी बॉडी बहुत ही समझदार होती है। कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रोटीन को भी एज एन एनर्जी सोर्स इस्तेमाल कर सकती है। वो किन कारणों से हो सकता है कि या तो आप जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कार्ब्स है आपने बिल्कुल डाइट के अंदर से एलिमिनेट कर दिए हैं, या आप बहुत लो कार्ब डाइट पे हैं तब भी आपकी बॉडी प्रोटीन को कन्वर्ट कर सकती है एनर्जी के लिए या प्रोटीन को यूज कर सकती है एनर्जी के लिए। और जो एक और कारण है उसके अंदर प्रोटीन तब आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है जब आप कार्ब्स लो डाइट में ले रहे थे और आपका जो ट्रेनिंग है वो 2 आवर्स या उससे ज़्यादा का कंटिन्यूटी में हो गया है, तो भी आपकी बॉडी मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगी और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगी एज एन एनर्जी। और देखिए फ्रेंड्स, जो मसल बिल्डअप होती हैं वो, अगर हम सिर्फ प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन को कितना इनटेक करना है, वो किस तरीके से होती है, समझिए इस बात को कि जब आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमीनो एसिड पूल बनेगा, जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो आप खाने से लेते हैं, और साथ में आपकी बॉडी काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स बनाती है, जब वो कम्प्लीटली एक पूल बना देंगे। और एक और कंपोनेंट है जो प्रोटीन का, वो है नाइट्रोजन। 16% ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू नाइट्रोजन। तो अगर वो नाइट्रोजन बैलेंस, या आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस आपकी बॉडी का होगा, तो वो कैसे आप अचीव कर पाएंगे, जब आप प्रोटीन एक लेमैन के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, तो आप का जो प्रोटीन रीजनरेशन होना है या प्रोटीन यूटिलाइजेशन हो गया उसके बाद भी आप अपनी नाइट्रोजन का बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे और वो एक एनाबॉलिक स्टेट हो जाएगी आपकी बॉडी के लिए, और वो जो एनाबॉलिक स्टेट है वो मसल बिल्डिंग में आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी। लेकिन अगर आपने एडिक्वेट प्रोटीन, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की उसके हिसाब से नहीं खाया, तो वो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं बना पाएगी, और नाइट्रोजन बैलेंस ना होने के कारण आप अपनी मसल्स को प्रॉपरली बिल्ड नहीं कर पाएंगे या प्रिजर्व नहीं रख पाएंगे, नए मसल टिश्यूज बिल्डअप नहीं होंगे और ना ही आपके जो पुराने वो प्रिजर्व रह पाएंगे। वो ही एक बड़ा कारण बनता है मसल वेस्टिंग का। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपको किस टाइप का प्रोटीन खाना चाहिए। तो प्रोटीन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो अगर आप किसी भी टाइप के मीट के सोर्स से प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, चाहे वो चिकन है, चाहे वो फिश है, चाहे वो मटन है, वो किसी भी टाइप के मीट सोर्स से अगर आप प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट अमीनो एसिड की चेन बना देता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं या आप कोई भी ऐसा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं जो वेजिटेरियन सोर्स से या प्लांट सोर्स से,
आपने कंज्यूम करा है तो आपको कम्बिनेशन में लेना पड़ेगा। जैसा कि अगर हम वेजिटेरियंस के लिए बढ़िया प्रोटीन की बात करें तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा। प्रोटीन कैसे कर सकते हैं, लिग्यूम्स और सीरियल्स को ऐड करके, या आप ऐसे कर सकते हैं कि बीन्स और राइस को ऐड कर लें तो भी आप कंप्लीट अमीनो एसिड पूल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम आरडीए के हिसाब से बात करते हैं तो उसमें लगभग 0.8 से लेके 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से एक नॉर्मल पर्सन है, एक लेमैन है जिसने कभी एक्सरसाइजेस नहीं करी है, सिर्फ दिनचर्या के अपने डेली के काम करता है, उसके हिसाब से उसको 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। उससे वो अपनी सारी की सारी प्रोटीन की जरूरतें पूरी कर लेता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर हैं या कोई इंटेंसिव एक्सरसाइज के बाउट्स करते हैं तो यहाँ पे आपकी मसल वेस्टिंग ज़्यादा होगी, एक्सरसाइज के अंदर आपकी मसल डैमेज ज़्यादा होगी, आपकी बॉडी प्रोटीन कुछ यूज भी ज़्यादा करेगी, सिंथेसाइज भी ज़्यादा करेगी, तो यहाँ पे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो जनरली अगर हम एक थंब रूल के हिसाब से देखें तो एक अगर लोग जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उन लोगों के लिए लगभग 1.8 ग्राम्स पर किलोग्राम प्रोटीन अगर वो कंज्यूम करते हैं तो वो एडिक्वेट एड्रेनल बैलेंस बना सकते हैं और मसल वेस्टिंग होने से बचा सकते हैं। मसल फोल्ड होने के लिए और मसल हाइपरट्रॉफी होने के लिए इतनी मात्रा में अगर वो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए इनफ रहेगा। और अगर हम बात करते हैं एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए, एंड्योरेंस एथलीट्स अगर 1.4 ग्राम्स पर किलोग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वो प्रोटीन उनकी बॉडी के अंदर एडिक्वेट रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, इसके एवज में अगर आप कार्ब्स कम कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए कार्ब्स की होती है। हमारी बॉडी बहुत समझदार होती है, एनर्जी फर्स्ट सिस्टम के हिसाब से काम करती है। बॉडी को अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने को सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए उसको ये चाहिए कि जिस भी सोर्स के थ्रू उसको एनर्जी मिल रही है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्ब्स हो, चाहे वो फैट हो, उससे कंज्यूम करेगी एनर्जी। अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स डिप्लीट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी प्रोटीन जो आपने एक्सेस खाया था वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिससे आपकी बॉडी कार्ब्स में कन्वर्ट कर देगी और उस कार्ब्स के थ्रू आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन खाया है तो वो फैट के कन्वर्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंटेंसिव भी करते हैं तब भी 1.8 ग्राम्स प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए इनफ रहेगा। हाँ, अगर हम बॉडी बिल्डर्स की बात करते हैं तो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं कि अपना 1 ग्राम पर पाउंड एवरेज से वो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो जो एक्सरसाइजेस करते हैं वो काफी इंटेंसिव एक्सरसाइजेस होते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ जो नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं जो बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, वो मतलब 2-3 आवर्स के बाउट या 2-3 आवर्स के सेशंस डेली बेसिस पे करते हैं, तो यहाँ पे वो प्रोटीन की जो कंजम्पशन है या प्रोटीन का जो यूज है वो लगभग 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड बॉडी वेट के हिसाब से कर लेते हैं, तो उतना प्रोटीन उनकी बॉडी में होता है। बात कर रहे हैं कि कितना प्रोटीन आपको एक सर्विंग में या एक मील में खाना चाहिए, कितना प्रोटीन, चाहे वो प्रोटीन सोर्स कोई फूड हो, चाहे वो प्रोटीन सोर्स कोई सप्लीमेंट हो, तो आपको एक सर्विंग में या एक पर्टिकुलर मील में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी कंजम्पशन, अगर आप बेसिक पर्सन हैं, वेरी लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं, अब 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एक मील में खाइए जो आपकी बॉडी आराम से कंज्यूम कर पाएगी। और अगर आप उससे इंटेंसिव मोड पर जाते हैं प्रोटीन के, देखो बॉडी तो कंज्यूम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन भी कर लेती है, लेकिन उसके बाद ये है कि वो एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद उसने क्या प्रोसेस किया आगे,
वो जरूरी है। तो अगर आप एक मील के अंदर 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मैक्सिमम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही आराम से उस सारे प्रोटीन को जो आपने एक मील में कंज्यूम करा है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, मेटाबोलाइज कर पाएगी और अमीनो एसिड्स का प्रॉपर पूल बना पाएगी, जिसके कारण से आप अपनी मसल वेस्टिंग से बच सकते हैं। तो 30 ग्राम एक थंब रूल बना लें कि पर सर्विंग 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उसके साथ कार्ब्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कार्ब्स नहीं लेते हैं तो प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये सब था फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, तो मैं उस सवाल का प्रॉपर जवाब दूंगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।